नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों यूं तो 2022 में हमने कई वैज्ञानिकी खोज देखी और सुनी, जैसे कि जिसमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, आर्टेमिस मिशन 1 और डार्ट मिशन के नाम शामिल है। इसके अलावा स्वस्थ जगत की बात करें तो इसमें भी कई उपलब्धियां हासिल की, जैसे कि वैक्सीन बनाई गई कई तरह की। तो दोस्तों आने वाले साल 2023 में इसी दिशा में आइए आज बात करते हैं होने वाली कुछ बड़ी वैज्ञानिक रिसर्च और घटनाओं के बारे में, जो विज्ञान की दिशा और दशा को बदल सकते हैं। दोस्तों हाल ही में नेचर जर्नल में एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें 2023 में क्या बड़े वैज्ञानिक रिसर्च हो सकते हैं उनके बारे में बताया गया है। बात करते हैं वर्ष 2023 में रिसर्च को नया आकार मिल सकता है, जैसे कि चंद्रमा पर लैंडिंग हो सकती है, बन सकते हैं mRNA टीके और जलवायु परिवर्तन की दिशा में क्लाइमेट फाइनेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम भी होंगे। दोस्तों जिस तरह नासा का मानव रहित ओरियन कैप्सूल 11 दिसंबर को पृथ्वी पर वापस आने में सफल रहा, वहीं इस साल 3 अन्य मिशन चंद्रमा की ओर लॉन्च किए गए। संयुक्त अरब अमीरात का रशीद रोवर, नासा का लूनर टार्च और जापानी हकुटो आर मिशन 1 जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। वहीं अप्रैल 2023 में इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है का चंद्रयान 3 मिशन 2023 के मध्य में यानी कि जून में दक्षिणी ध्रुव के पास उतर सकता है। वहीं 2023 में चंद्रमा की पहली नागरिक यात्रा भी होगी जिसमें 11 लोग स्पेस एक्स रॉकेट स्टारशिप पर 6 दिवसीय निजी अंतरिक्ष उड़ान भरते नजर आ सकते हैं। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जिसे JWST शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं की पहली पिक्चर्स ने दुनिया को चौंका सा दिया, जहां JWST के कुछ निष्कर्ष इस वर्ष प्रकाशित किए गए, वहीं आने वाले साल 2023 में भी टेलीस्कोप के परिणामों और आकाशगंगाओं के विकास पर खोजों को साझा किया जाएगा। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसका काम है 6 साल के लिए सूर्य की परिक्रमा करना और ब्रह्मांड का 3D नक्शा बनाने के लिए तस्वीरें लेना। यह 2023 में एक विस्फोटक खबर होगी। वहीं जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का एक्सरे इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन भी होना है, जो एक पृथ्वी परिक्रमा उपग्रह होगा जो दूर के सितारों और आकाश गंगाओं से एक्सरे विकिरण का पता लगाने का काम करेगा 2023 में। कोविड-19 महामारी के दौरान mRNA टीकों की सफल तैनाती के बाद उनमें से कई विकास के चरण में है अभी भी। मेंज जर्मनी में बायोनटेक द्वारा आने वाले हफ्तों में मलेरिया, तपेदिक, जननांग दाद के खिलाफ mRNA टीकों के लिए मानव में प्रथम परीक्षण शुरू करने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्राथमिक रोग जनकों की नई सूची भी प्रकाशित हो सकती है 2023 में। इसमें लगभग 300 वैज्ञानिक रोग जनकों की पहचान करने के लिए 25 से अधिक वायरल और जीवाणु परिवारों पर सबूतों की जांच हो सकती है। इसके बाद भविष्य में होने वाले रिसर्च का खाका भी जारी किया जाएगा। इसके अलावा रोगों से जुड़े टीकों, उपचारों और नैदानिक परीक्षणों के विकास का मार्गदर्शन भी मिलेगा। अगले साल क्रिस्पर जीन एडिटिंग थेरेपी की पहली मंजूरी भी मिल सकती है, जिसमें किसी व्यक्ति की स्वयं की स्टेम कोशिकाओं को एकत्रित करके और कोशिकाओं को व्यक्ति में वापस डालने से पहले दोषपूर्ण जीन को ठीक किया जाता है और इसे ही जीन एडिटिंग थेरेपी कहा गया है। दोस्तों 2023 में कहते हैं जनवरी की शुरुआत में ही अमेरिकी नियामक घोषणा कर सकता है कि अल्जाइमर की दर को धीमा करने वाली दवा मार्केट में आने की संभावना भी है। दरअसल इस दवा को फार्मास्यूटिकल कंपनी ISI और बायोटेक्नोलॉजी फर्म बायोजेन द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो कि अपने पहले चरण में है। दुनिया की पहली न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटी अगले साल फिनलैंड के दक्षिण पश्चिमी तट के एक द्वीप ओल्किलुओटो में शुरू होने वाली है। फिनलैंड सरकार ने खर्च किए गए परमाणु ईंधन को सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए 2015 में गहरे भूमिगत भंडार के निर्माण को मंजूरी भी दे दी थी।
जिसमें कि 6500 टन तक रेडियोधर्मी यूरेनियम को तांबे के कनस्त्रों में पैक किया जाएगा, जिसे मिट्टी में ढक दिया जाएगा और 400 मीटर भूमिगत ग्रेनाइट बेडरॉक की सुरंगों के अंदर दफन कर दिया जाएगा। परमाणु सामग्री वहां कई लाख वर्षों तक फिर बंद रहेंगी, जिससे कि लोगों में रेडिएशन का खतरा ना रहे। बात कर लेते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर। पिछले महीने मिस्र के शर्म अल शेख में 27वें जलवायु परिवर्तन COP27 सम्मेलन के दौरान लॉस एंड डैमेज फंड पर समझौता किया गया। समझौते के तहत धनी देश जो उच्च उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, उत्सर्जन मतलब कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, गरीब देशों को आर्थिक रूप से फंड देने का काम करेंगे। इसको लेकर अगले साल मार्च में एक बैठक भी हो सकती है, जिसमें इन फंडों की व्यवस्था कैसे की जाएगी इस पर बात की जाएगी। वहीं दोस्तों, आने वाले साल 2023 में नवंबर के महीने में COP28 की बैठक दुबई में होनी है। तो दोस्तों, ये थी 2023 में विज्ञान और मेडिकल जगत में क्या संभावनाएं हो सकती हैं उसको लेकर पूरी खबर। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। समय समय पर हम अपने चैनल के माध्यम से साइंस से जुड़ी बड़ी खबरें और शोध आपके लिए लेकर हाजिर होते रहते हैं। हमारे प्रयास को और सफल कर सकते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।